हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है एक्सीलरेटर सीरीज में। आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना कॉन्सेप्ट। आज हमें दो प्रॉब्लम्स की बच्चों बात करनी है और दोनों प्रॉब्लम्स आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके की प्रॉब्लम्स आप लोगों से पूछी जाती रहती हैं बच्चों। आइए देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है हमारे सामने। देखिए स्टूडेंट, प्रॉब्लम आपके सामने है, प्रेशर डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस P इक्वल टू एल्फा अपॉन बीटा एक्सपोनेंशियल माइनस के एल्फा जेड अपॉन के थीटा, वेयर एल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट, जेड इज अ डिस्टेंस, के इज अ बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट एंड थीटा इज अ टेम्परेचर। देन द डायमेंशन ऑफ बीटा आर, आपको बीटा की डायमेंशन बतानी है बच्चों क्या होगी। प्रॉब्लम अच्छी है, अब देखते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। पहले मैं आप लोगों को स्टूडेंट टैक्टिक्स बताता हूँ कि क्या है। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन पूरी तरीके से डायमेंशन लेस होता है बच्चों। यानी ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा हुआ है ये पूरी तरीके से डायमेंशन लेस है। आप क्या करने वाले हैं, आप प्रेशर की डायमेंशन को सिर्फ बराबर रखने वाले हैं एल्फा अपॉन बीटा के, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपने आप में एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है और नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती है। सो हम लोग ये कह सकते हैं बच्चों, प्रेशर इज इक्वल टू एल्फा अपॉन बीटा, और अगर हमें डायमेंशनली दोनों आपस में इक्वल हैं बच्चों, ओनली डायमेंशनली दोनों आपस में इक्वल हैं, और अगर हमें बीटा की डायमेंशन चाहिए तो एल्फा के अपॉन में आने वाला है बच्चों प्रेशर। अब प्रेशर की डायमेंशन तो हम ऑलरेडी जानते हैं, अगर हमें बीटा की डायमेंशन निकालनी है बच्चों तो हमें अल्फा की डायमेंशन को यहाँ पुट करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं हमारा आंसर बनेगा। आइए हम कैसे सॉल्व करते हैं जरा देखते हैं बच्चों। देखिए स्टूडेंट, अल्फा हम लोग कैसे निकालेंगे, एक्सपोनेंशियल के जो साथ में है बच्चों हमारे पास में वो है माइनस के अल्फा जेड अपॉन के थीटा, और एक्सपोनेंशियल के साथ में ये जो टर्म है ये भी पूरी तरीके से डायमेंशन लेस होता है बच्चों। क्या तो आप ये कहें कि e की पावर में जो टर्म रहने वाला है वो डायमेंशन लेस है, या एक्सपोनेंशियल के साथ ये जो टर्म रहने वाला है ये डायमेंशन लेस है बच्चों हमारे पास में। सो हम लोग कहेंगे स्टूडेंट, माइनस के एल्फा जेड अपॉन के थीटा ये पूरी तरीके से हमारे पास में डायमेंशन लेस है भैया, ये पूरी तरीके से अपने पास में डायमेंशन लेस है। सो अल्फा की डायमेंशन हमारे सामने निकलेगी के थीटा अपॉन जेड, ये अल्फा की डायमेंशन निकलेगी स्टूडेंट। अरे यार, इधर तो डायमेंशन लेस है, आपको अल्फा की डायमेंशन चाहिए, ये सारी वैल्यूज उधर पहुंच जाएंगी। सो अल्फा की डायमेंशन को जब हम यहाँ पुट करेंगे, बीटा इज इक्वल टू के थीटा अपॉन जेड और साथ में है प्रेशर। अब आप देखिए स्टूडेंट, के क्या है, के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब हम देखते हैं कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो डायमेंशन हमारे सामने होने वाली है वो क्या होने वाली है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन रहेगी जूल, वैसे इसकी जो यूनिट है वो है जूल पर केल्विन, यानी ML2T-2K-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ के, यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। थीटा की डायमेंशन रहेगी के अपॉन में है जेड, जेड को दिखाया गया है बच्चों डिस्टेंस से, इसकी डायमेंशन रहेगी एल, और प्रेशर की डायमेंशन रहने वाली है ML-1T-2। ये सिचुएशन हमारे सामने आएगी बच्चों। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखो एल एल माइनस वन कैंसिल आउट, एम से एम कैंसिल आउट, टी माइनस टू से टी माइनस टू कैंसिल आउट, के माइनस वन से के कैंसिल आउट। So, हमारे पास में बचा डायमेंशन ऑफ बीटा, m पूरी तरीके से एलिमिनेट हो गया है, सो m टू दी पावर 0, l की पावर यहाँ पर अभी भी 2 है, t भी एलिमिनेट हो गया है, सो t टू दी पावर 0। तो बच्चों हमने जो जस्ट अभी आपको बताया कि जो यहाँ बीटा की डायमेंशन रहने वाली है वो बनेगी अल्फा अपॉन प्रेशर। अल्फा की डायमेंशन को हम लोगों ने यहाँ से फाइंड आउट किया
और अल्फा की डायमेंशन निकल कर आएगी के थीटा अपॉन जेड, साथ में है प्रेशर। सबकी वैल्यू पुट करने के बाद में मास एलिमिनेट हो चुका है, इसीलिए एम टू दी पावर ज़ीरो, टी एलिमिनेट हो चुका है इसीलिए टी टू दी पावर ज़ीरो, और एल की पावर है टू। ये हमारी डायमेंशन रहने वाली है बच्चे, और ये हमारे सामने रिजल्ट निकल कर आएगा। कुछ इस तरीके से हम प्रॉब्लम को बनाएंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ आई होगी स्टूडेंट। ओके,